देखिए, आज हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेसिकली आज यहाँ पर सुनवा बठिंडी में एक प्रोटेस्ट था। यहाँ के जितने भी सुनवा बठिंडी के जो लोग थे यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे थे। देन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोटेस्ट को रोका। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं सुनवा बठिंडी, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी जगह खाली कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पे कि यहाँ गरीब लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर सुनवा बठिंडी में कई सारे लोग हैं जो 25, 30, 50, 100 साल या 100 सालों से भी ज्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारा ये मानना है कि जो भी गरीब आदमी जिसकी जमीन 3 मरले है या 5 मरले है या 10 मरले है, उनको छेड़ा नहीं जाए। इनफैक्ट जो जो लैंड माफिया लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है, आप उनको टारगेट कीजिए, उनको वहां से हटाइए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। जो गरीब लोग हैं यहाँ के, उनको नोटिस दे रही है, उनको कह रही है आप यहाँ से जाइए। इनफैक्ट आपको उन लोगों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। आप उनको रेगुलराइज कीजिए, आप उनको बोलिए कि आपको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको लिखित तौर पे दीजिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी और भी कुछ बोलने को है, मैं चाहूंगा सफीर जी अब आगे संभाले और बोले। देखिए, जैसा कि हमारा यहाँ से कहना यह है कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी तरफ से हमने जो आज समर्थन के लिए यहाँ पर रखा, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर निकले थे प्रोटेस्ट के लिए, हमने उनका समर्थन किया और उनके साथ हम प्रोटेस्ट में चले। दूसरी बात यहाँ से ये बता दें कि हम हमारे जो यहाँ से एक जेन्युइन डिमांड है जिसको गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए कि वो है हमें यहाँ पर रेगुलराइजेशन दी जाए। बठिंडी सुनवा चवर्दी के एरिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने बहुत मारे खाई हैं। इन लोगों ने पहले मिलिट्रेसी की मार खाई। ये वो हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको जिन्होंने मिलिट्रेसी को रिजेक्ट किया और अपने घर जो है इनके घर जो है मिलिट्रेंटों के द्वारा चलाए गए और ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए और बसे। आज 50 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो पीला पंजा लेके आ रही है। तो हम आपके हिसाब से यहाँ से कहना चाहेंगे कि ये पीला पंजा ना दिखा के लोगों को डराया जाए गरीब लोगों को, बल्कि इसको रेगुलराइज किया जाए, जिससे दोनों मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से दोनों का फायदा है इसके अंदर, गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी। गवर्नमेंट कोई नॉमिनल फीस यहाँ पर रखे जिसको चार्ज करे और वो फीस भरने के बाद हम इसको रेगुलाइजेशन में रेगुलराइज हो जाए, लोगों को भी आसानी हो जाएगी कि चलो ये रोजाना का खतरा जो है उनका भी खत्म हो जाएगा बेचारों का। एक रैन बसेरे के तरीके से लोगों ने बनाए हुए हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ की हकीकत क्या है कि भाई अगर किसी के पास 6 मरले 5 मरले जगह उसके ऊपर 4 स्टोरी बनी है, वो इसलिए बनी है क्योंकि उनके पास 40 लोगों का परिवार है, तो एक एक फ्लोर में एक एक परिवार करके इस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पर उठेगी और उनको गिराना शुरू करेगी, सर्दी का ये मौसम है, और आपके साथ में ये भी यहाँ से कहना चाहूंगा कि इनको दर बदर लोगों को करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जमीनें खाली होंगी तो लोग गंद डालेंगे उसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं होना यहाँ पर। उससे बेहतर है कि ये लोगों को रेगुलराइज करके दी जाए। और ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो हम मांग रहे हैं ये भी कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर टाइम टू टाइम रेगुलराइजेशन होती रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहना तो लोगों को जमीन पे कहाँ जाएंगे, ये तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो करती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट या कोई म्यूनसिपलिटी का प्रोजेक्ट देती है इन लोगों को, तो ये शायद ये लोग स्टेटमेंट में नहीं भी होते। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर गवर्नमेंट ने कोई एक भी प्रोजेक्ट जो है हाउसिंग का देखेंगे नहीं आया है, कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं आया, तो एट द एंड लोगों ने जाना कहा है, लोगों ने कहीं ना कहीं जमीन पर रहना है। और दूसरी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर पता नहीं है, मीडिया भाई बंधु जो हमने इनको भी बताना चाहेंगे, जितने भी आपके द्वारा जितने व्यूज देख रहे हैं, मैं इन सबसे भी कहना चाहूंगा कि ये लोग जहाँ के जमीन इन्होंने आगे कब्जा नहीं की है, इन लोगों ने जमीनें उन लोगों से खरीदी हैं जिनको महाराजा जी ने यहाँ पर बैठाया था। ये महाराजा हरि सिंह के बैठाए हुए लोग थे जिन्होंने जमीनें उनको जमीनें अलॉट की गई थी, वो मारवेशी वाले लोग थे। तो जब जैसे जैसे टाइम बढ़ा जमीनें कंजेस्टेड होती चली गई, तो उन्होंने जमीन बेची और ये लोग आए जमीनें खरीदी, ये 5-5 मरले 8-8 मरले 10-10 मरले ये लोगों ने खरीद के लिए, इसका पैसा लोगों ने वसूल किया जिनके पास कब्जा था, और कब्जा जो है लिख के दिया, वो कंटिन्यूटी में चला। तो अगर गवर्नमेंट का ये भी ला है कि अगर कोई 12 साल से ज्यादा किसी माल की जगह पर भी अगर दूसरा कोई बंदा कब्जे में होता है तो वो भी जमीन उसके नाम पर गड़बड़ कर दी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, हर किसी कानून को ताक पर रख के तो कहा जा रहा है कि नहीं आप जमीनें खाली कराएंगे, तो मैं आपके साथ से कहना चाहूंगा साहब ये इस तरीके से मत करिए, आप जमीनें खाली करा के इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, दोनों तरीके मतलब आपका भी बेनिफिट है इसके अंदर, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, लोगों का भी बेनिफिट है। आप इसको रेगुलेशन पॉलिसी लेके आइए, रेगुलाइज करिए, सर्कुलर रेट रखिए। हम जिसके पास 5 मरले वो 5 के पैसे भरे, जिसके पास 1 करोड़ का पैसा भरे, जिसके पास 10 मरले वो 10 मरले का पैसा भरे, और वो आराम से निश्चिंत रह के लोग रह सके यहाँ पर, अपने बच्चों को पढ़ा सके। इनको दर बदर दोबारा न किया जाए। एक बार रिटेंशन दर बदर किया है, दूसरी बार हम चाहते हैं कि आपके द्वारा दर बदर न किया। बाकी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अभी 3-4 दिन पहले ही एलजी सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये चीज बोली थी, कैटेगरी बोली थी कि
जो भी बिग शॉक्स हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनको छेड़ा जाएगा, उनको निकाला जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी 5-6-7-10 मरले जमीन है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप यहां से जाइए। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगेन फिर से हम कहना चाहेंगे कि हमारा समर्थन उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास 5-6 मरले 10 मरले जमीन है, क्योंकि वो इतने कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 50 या 100 सालों से रह रहे हैं। हमारा समर्थन उनको है, उनको तंग नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, जिनके पास बहुत एक्सेस लैंड है, इलीगल लैंड है, आप उन पर कर सकते हैं। ये हम बड़े कैटेगोरिकली आप लोगों को कह रहे हैं।